हेलो गाइस, क्या तुम लोग आराम से अपने एनिमी को मारना चाहते हो? तो यार कौन नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं चुटकियों में अपना जो एनिमी है उसको डाउन करना। तो यार इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए एडवांस लेवल का टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको आप अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो आप एनिमी को इजिली मार पाओगे। और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा वो आप बहुत ज्यादा कम देखे होंगे, और बहुत सारे लोग तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स को देखे भी नहीं है। मतलब यार काफी ज्यादा यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाला है ये, जरूर देख के जाना क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया सीख के जाओगे। और यार मुझे पता है बहुत सारे लोग तो अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, और यार आज के वीडियो के बाद तुम भी बोलोगे भैया जी। इसलिए यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बट यार वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जिसका भी सब्सक्राइब का बटन लाल दिख रहा है ना उसको ब्लैक कर दो, मतलब यार सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार चलो हमारे पहले नंबर टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दिक्कत एक बात बोलो, आप हुकों को कैसे यूज करते हो? अबे ये कैसा बात हुआ, जैसे सब यूज करते हैं वैसे ही यूज करते हैं हम। तुम क्या ऐसे हुकोंग यूज करना चाहते हो? ओ भाई ये क्या है? तो यार बोलो बोलो सीखना चाहोगे? तो यार कौन नहीं सीखना चाहेगा। तो देखो ऐसे अगर तुम हुकोंग यूज करोगे तो हमारे जो चलने का स्पीड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जब आप हुकोंग यूज करोगे तो आपका चलने का स्पीड है वो बढ़ जाएगा, जिससे तुम इजीली अपने जो एनिमी है उसको फॉलो कर पाओगे। और तुम अगर ओपन फील्ड में हो तो तुम्हारा जो एनिमी है उसको ज्यादा पता नहीं चलेगा, तो यार तुम्हारा जो मरने का चांस है भी कम जाएगा। तो यार और भी बेनिफिट है इसके। तो चलो अभी हम बात कर लेते हैं आपको इसको करना कैसे है। तो इसके लिए आपका जो एक्टिव स्किल का बटन होता है और आपका जो स्प्रिंट बटन होता है उसको आपको फोकस करना है। तो देखो यार आपका जो एक्टिव स्किल का बटन होता है और आपका जो स्प्रिंट बटन होता है उसको दोनों एक साथ दबाना है। याद रखना कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, दोनों को आपको एकदम सेम टाइम पे दबाना पड़ेगा। और यार कोई बटन अगर आगे पीछे हो जाए तब आप ओनली हुकोंग बन जाओगे, बट तब आप स्प्रिंट नहीं कर पाओगे। और आपने थोड़ा बहुत पीसी प्लेयर्स को भी देखा है इस ट्रिक को यूज करते। तो यार इसका और भी बहुत सारे फायदे हैं। और यार आप अगर ओपन में स्पोर्ट खेल रहे हो तब तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम देगा आपको, क्योंकि तब आप बहुत जल्दी अपने एनिमी को मार पाओगे। और यार आपको अगर लास्ट जोन में जाना है तब भी ये जो ट्रिक है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और यार स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसके यूज करने में, बट यार प्रैक्टिस करो धीरे धीरे इसमें भी परफेक्ट हो जाओगे, और फिर तुम एक बार में स्प्रिंट हुकोंग का यूज कर पाओगे। तो चलो अभी हमारे दो नंबर टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अभी मैंने बोला हुकोंग को कैसे अच्छे से यूज करना है, मतलब यार हुकोंग का एक एडवांस लेवल का टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है, बट अभी हम बात करेंगे आप हुकोंग को कैसे बहुत ही इजीली डिफीट कर पाओगे। मतलब तुम्हारा दोस्त अगर हुकोंग यूज कर रहा है तो तुम कैसे उसको इजीली मार पाओगे। और देखो ये जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार हुकोंग एक बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है। बट यार जब आप इसका एंटीडोट जान लोगे, मतलब कैसे हुकोंग वाले बंदे को मारे, तो तब उस बंदे को मारना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो देखो यार इस ट्रिक को करने के लिए आपको जस्ट एक ग्रेनेड का जरूरत होगा, और यार अगर ग्रेनेड नहीं है तो इस ट्रिक का यूज नहीं कर पाओगे। तो यार देखो कोई बंदा अगर तुम्हारे पास हुकोंग बन के आता है तो तुमको शुरू कर देना पड़ेगा कुकनेट। अभी बोलो कुकनेट से क्या होगा बे? तो देखो यार जो बंदा आपके पास आएगा तो उसको आप इजीली नेट से मार पाओगे, क्योंकि आप अगर ग्रेनेड करते हो तो आपका जो एनिमी हुकोंग बन का आया है वो भी मर जाता है। आपको ओनली एक कवर ढूंढ के रखना है जहाँ पर आप थोड़ा कुकनेट कर पाओ, क्योंकि आप अगर कवर पे कुकनेट करोगे तो आपका जो मरने का चांस है वो बहुत ज्यादा कम होगा, और आपका जो एनिमी होगा वो भी समझ नहीं पाएगा। तो यार हुकोंग को मारने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा ट्रिक है ये, मतलब यार ज्यादा झंझट ही नहीं है। तो चलो यार हमारे तीन नंबर टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बहुत टाइम पे आप जब घर पे रेस्ट करते हो तो तुम्हारा जो एनिमी है उसको पता चल जाता है आपका लोकेशन, मतलब तुम कौन सी जगह पे हो, नीचे हो ऊपर आ रहे हो रेस्ट कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो तुम्हारा फुटस्टेप है वो सुन लेता है वो। बट कैसा हो एनिमी अगर फुटस्टेप सुन ही ना पाए? तो यार एक बात बोलो कोई बंदा अगर रुक रुक के बोल रहा है तो आप क्या समझ पाओगे? तो यार पूरा बोलना पड़ेगा तभी समझ पाओगे ना, वैसे ही आपका जो फुटस्टेप है वो कट कट के आए तो कैसा होगा? तो तुम्हारा जो एनिमी है वो तो समझ ही नहीं पाएगा कहाँ पर बंदा है बे, अभी तो फुटस्टेप आ रहा था सडनली क्या हो गया। तो देखो यार आपको क्या करना है, तो देखो बहुत लोग एकदम सीधे रस कर देते हैं। तो देखो यार तुमको सीधे रस नहीं करना है, तुमको रुक रुक के रस करना है। और यार जब रुकने की बात आए तब आपको सीट बटन का यूज करना है, जिससे आपका एक सेकंड में आपका जो फुटस्टेप है वो चले जाएगा। बट ये नहीं तुम ओपन में रस कर रहे हो तुम रुक जाओ, अगर तुम्हारे आसपास में कोई कवर है तो वहाँ पे रुक रुक के चलो। तो यार देखो ये तो आराम से ग्लू वॉल लूट रहा है, और ये अच्छे से फुटस्टेप भी ना सुन पा रहा है, क्योंकि मैं तो सिट कर रहा हूँ, सिट करने से तो मेरा फुटस्टेप कट जा रहा है, और इस बंदे को पता नहीं चल रहा है बंदा सामने जा रहा है कि पीछे जा रहा है। तो देखो यार तुमको भी ये जो ट्रिक है ऐसा यूज करना है, और तुम अगर कवर में थोड़ा ज्यादा अंदर जाके सिट करते हो तुम्हारा जो एनिमी होगा उसको अच्छे से विजिबल भी नहीं होगा, और इस ट्रिक को बहुत लोग जानते भी नहीं थे। तो देखो यार पहली पहली बार अगर तुम इसको करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो जितना ज्यादा यूज करोगे तो उतना ज्यादा परफेक्ट बनते जाओगे। और देखो इस ट्रिक में तुमको कभी कभी जिगजैग मूवमेंट भी दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि यार क्रिस्क्रॉस रन से भी आपका जो एनिमी होगा उसको अच्छे से साउंड इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो यार थोड़ा सीट अप और थोड़ा जिगजैग कर लेना, फिर एनिमी के काम खत्म। तो यार है ना जहर वाला टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यार आज का टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे खत्म होता है, बट अभी तुम बोलो तुमको टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे, और तुम अगर इसको यूज करोगे ना तुम एक प्रो प्लेयर बन जाओगे। तुमको ओनली कुछ बार इसको प्रैक्टिस करना है, फिर तुम इजिली एनिमी को मार दोगे। यार तुमने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से ठोक दो सब्सक्राइब, और पास में एक बेल आइकन मिलेगा उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर तुमको
बहुत ज्यादा फारू टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं। और यार इसके साथ वीडियो को लाइक कर देना और तुम्हारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और यार तुम अभी तक अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, वहाँ पर भी जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि तुम्हारा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर मैं सॉल्व करने का पूरा ट्राई करता हूँ। और यार कमेंट करके ये भी बता देना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना चाहिए, मतलब नेक्स्ट किसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स बनाओ। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तो चलिए बाय बाय।